बरेली नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 19 में सपा सभापद के प्रत्याशी नरेश प्रसाद विश्वकर्मा आज सभी विश्वकर्मा समाज की बैठक करेंगे और वार्ड 19 की जनता के घर घर जाकर सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने की अपील करेंगे। साथ ही तमाम छूटे हुए विकास कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी नरेश प्रसाद विश्वकर्मा ने। उस हिसाब से जो है हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारे सामने निर्दलीय एक निर्दलीय हमारा कोई गिनती नहीं है। एक भाजपा से है, वो नया चेहरा है, यहाँ का जाना पहचाना आदमी नहीं है वो। हम यहाँ कम से कम 42 साल से रह रहे हैं, रेलवे से रिटायर हुए हैं, अभी हमारा स्कूल भी चलता है। तो हमारा बहुत जो है, जिस बार से हम लड़ रहे हैं वहाँ कम से कम 60% रेल कर्मचारी रिटायरमेंट है और हमारी जान पहचान क्या है। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन एजेंडों को लेके उनसे मतदान के लिए उम्मीद कर रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं कि आपकी जो है जहां जहां हम जा रहे हैं घर घर हम संपर्क कर रहे हैं अपने टीम के साथ, वो लोग की समस्याएं हैं कि हमारी जो है सड़कें नहीं है, हमारी जो नाली में पानी जमा है, नाली नहीं साफ होती है, झाड़ू नहीं लगती है, इस तरह की समस्याएं इन्होंने बताया। हमने कहा देखिए ये सब समस्याएं जो है अब जो है हम उम्मीदवार हम हैं आपके हैं, अगर हम जीत गए तो ये सब समस्याएं दूर करेंगे, पहला नंबर आप ले जाएंगे। कितने वोट है इसमें? इसमें 12,000 के है, 12,000 वोट है। इसमें मुस्लिम वोट जो है कंजा का जो है हार जीत का जो है वो आधार है।